राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य पे उपायुक्त कार्यालय सम्मेलन कक्ष में जिला स्तरीय प्रेस दिवस का आयोजन किया गया तथा डिजिटल युग में पत्रकारिता आचार नीति और चुनौतियां विषय पर चर्चा की गई। प्रेस दिवस की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ पत्रकार कवि साहित्यकार कृष्ण कुमार नूतन ने कहा कि पत्रकारिता चुनौती भरा कार्य है जिसका चुनाव पत्रकार स्वयं करता है। उन्होंने बताया कि पत्रकारिता के सिद्धांत रेखा सीमा का प्रत्येक पत्रकार को बोध होना चाहिए ताकि लोगों व समाज की अपेक्षा पर वे खरा उतरा जा सके। वरिष्ठ पत्रकार रूप उपाध्याय और अंकुश सूद ने कहा कि खबरों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पत्रकारिता क्षेत्र के नियमों और सिद्धांतों पर अमल करना अति आवश्यक है। लेकर आज तक बहुत से चेंजेस भी आए होंगे और देख भी रहे हैं हम। और सबसे बड़ी बात डिजिटल रिपोर्टिंग है, डिजिटल जो इन्फॉर्मेशन जो आ रही है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे हिसाब से बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हम प्रिंट मीडिया में हमने दोनों फेज देख रहे हैं। इसमें बदलाव भी आता दिख रहा हूँ मैं इस थोड़े 15-20 सालों के करियर में। तो अभी क्या होता है कि मान लो कहीं पे लैंडस्लाइड आ गया तो एक बंदा क्या करता है, वहां से व्हाट्सएप पे वो डाल देता है कि ये लैंडस्लाइड आ गया वहां पे द्वारा के पास या कहीं भी, हड़ोगी के पीछे आते रहे तो हड़ोगी का एक हुआ बना लिया। पिछले साल तो मतलब वहां पे बहुत बड़ा मैसिव लैंडस्लाइड हुआ और कुछ तो मतलब शर्त लगाते थे कि अखबार में लिखा है भाई सच है। आज उस दौर में उसी को चार जगह पूछा जाता है कि आज ये सच है। निश्चित तौर पर आचार संहिता शब्द है। आज तक कभी भी प्रेस के मामले में हमेशा स्वतंत्रता को जोर दिया गया आचार संहिता को, लेकिन निश्चित तौर पर आज संकट के दौर से गुजर रहे। आज हर तरीके से हर राजनीतिक दल ने अपनी वेबसाइट बना रखी है, कई फैन क्लब है, कई तरह की खबरें वॉइस ट्रेनिंग डिजिटल जो हमारी क्रांति है उसका पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रेस की जो हमारी छवि है उसको धूमिल करने के लिए भाषण कोई और देता है, वॉइस ट्रेनिंग किसी और की, लेकिन इस सब दौर के बीच में निश्चित तौर पर प्रिंट ने आज भी अपनी है। इस मौके पर सूचना एवं जनसंपर्क मध्य क्षेत्र मंडी के उपनिदेशक मंजुला कुमारी ने कहा कि पिछले कुछ सालों से प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्रांति आई है जिससे प्रतिस्पर्धा का दौर बढ़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप आचार नीतियों और चुनौतियों पर चिंतन करना आवश्यक है। पत्रकारिता में सच्चाई, साहस, संयम, सूझबूझ, स्पष्टता, स्थिरता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता और जवाबदेही होना अनिवार्य है। हाल ही में नहीं, कुछ पिछले काफी सालों से क्रांति आई है, अब तो वो क्रांति महाक्रांति हो गई है और नए नए चैनल्स, नए नए अखबारें, उनके संस्करणों का विस्तार, ऐसी बहुत सारी बातें हुई है जिसके चलते क्या है कि एक प्रतिस्पर्धा आपस में हो गई। जब प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो सारी फसाद की जड़ जो है बन जाती है। अब जब प्रतिस्पर्धा हुई तो फिर एथिक्स की याद आ गई। अब प्रतिस्पर्धा में क्या हुआ, फिर ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। अगर प्रतिस्पर्धा है तो फिर एथिक्स चाहिए। अब प्रतिस्पर्धा है तो फिर क्या है, फिर चैलेंजेस भी है, फिर चुनौतियां भी है। तो इसलिए जब भी प्रेस दिवस हम आयोजित करते हैं तो आपने अनेकों बार देखा होगा कि विषय जो है ना इसके आसपास ही घूमता है, चुनौतियां और स्वतंत्रता और ये प्रतिस्पर्धा या जो कुछ भी है। इस मौके पर प्रेस क्लब के सचिव पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि पत्रकारिता का दौर बदल रहा है, इसके लिए पत्रकार और पाठकों को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि ई जर्नलिज्म को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन डिजिटल युग में विश्वसनीयता के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है। उससे भी तेज गति से आज जो ई जर्नलिज्म, ई एप्लीकेशन जैसे आपका वेब जर्नलिज्म है, ऐप बेस्ड जर्नलिज्म है, ईमेल बेस्ड जर्नलिज्म है और दूसरे कई माध्यम हो चुके हैं जो फटाफट आपके मोबाइल फोन पे एप्लीकेशन के माध्यम से अपडेट होता है। इसमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब माध्यम आ चुके हैं। ये बड़ी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं जो प्रिंट मीडिया के लिए चुनौती है, लिहाजा इस दृष्टि से हमें भी बदलना पड़ रहा है।
आज मैं अपना प्रैक्टिकल बताऊं,